इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि पहले वो सुविधाएं नहीं थी और मोक्ष का द्वार खुला है, और आज ये सुविधाएं हैं इसलिए मोक्ष के द्वार पर क्या लगा है? ताला लगा है। पहले वो सुविधाएं नहीं थी और मोक्ष का द्वार खुला था, और आज इतनी सारी सुविधाओं के भरमार के बीच में हैं आप, और वो सुविधाएं आपके पास है, उन सुविधाओं के बीच में होते हुए भी अब आप मोक्ष, मतलब कुल मिलाकर जितनी सुविधा है उतने ही आपका मोक्ष का द्वार हटते जा रहा है, मोक्ष से आप दूर होते चले जा रहे हो। मोक्ष इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने जीवन को सुविधामय बना रखा है। सुविधा के बिना आज कहीं जाना होता है पहले से फोन करते हो, वहाँ अटैच है कि नहीं, रूम है कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, जाने की टिकट, आने की टिकट, सब कुछ करके जाते हो। बहुत अच्छी बात है, सुविधामय आपका जीवन है, ऐसे आपने अपने आप को बना लिया। लेकिन ध्यान रखना, जिसका शरीर कष्ट की साधना से सत्ता है वही स्वर्ण की भांति शुद्ध होकर आत्मा को साधता है, आत्मा को पाता है, आत्मा की ओर जाता है, आत्मा से परिचय करता है, आत्मा के साथ रह पाता है। आत्मा को पहचानना है तो साधन सुख सुविधाओं को छोड़ना ही होगा, सुविधाओं से हमें परे होना ही होगा। चलो बताओ, तीन बातें आज कारंजा के विषय में करी मैंने। सबसे पहली बात करिए, काय का क्या छोड़ना होगा? ये काय के प्रति जो राग है इसको छोड़ना होगा, है ना? अब काय की बात आपसे करी, क्या छोड़ोगे आप बताओ? मतलब काय का राग छोड़ना है तो काय का राग जिसने छोड़ा है वही आत्मा तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ सभी लोग, आप लोग बैठे हैं, कैसे आप काय का रोग अपने अपनी खुद के जीवन के साथ कि हाँ महाराज जी इतने समय के लिए हम इस काय का राग छोड़ते हैं, इस काय को संवारेंगे नहीं, सजाएंगे नहीं, जैसा हो वैसा रहेंगे। तो समझना कि काय के प्रति राग छोड़ दिया कि हाँ एक दिन बिना साबुन के नहाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी को बिना साबुन के, बिना शैम्पू के, बिना क्रीम के, बिना तेल के, बिना पाउडर के हम रह लेंगे। एक काय के प्रति राग छोड़ रहे हैं, एक दिन बिना चप्पल जूते के रह लेंगे, एक काय के प्रति हम राग छोड़ रहे हैं। काय को अपना नहीं मान रहे तो छोड़ सकते हैं, कर लेंगे क्या कारंजा वाले काय के प्रति? ऐसी धीरे धीरे तो आप काय के प्रति जब आप छोड़ोगे तब तो आप आत्मा तक पहुंच पाओगे। हो सकता है कि एक दिन के लिए जो जितना जैसा जहां तक हो सकता है उतना आप करना, जितना आप कर पाओ उतना करना, इतना कह रहा हूं। बाकी तो ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आपसे कर रहा हूं, कोई मैं नियम देता नहीं हूं। जब आपको लगे कि हाँ वास्तविकता में काय से प्रति राग छोड़ना है उस प्रकार से आप राग छोड़ना तो बहुत अच्छी बात होगी। अपनी अपनी अनुकूलता से आपको नियम लेना है, समय अपना हो रहा है। र से बस इतना ही है कि वास्तविकता में अगर किसी के प्रति द्वेष हो, किसी के प्रति आपके अंदर बैठा हुआ हो तो आज भगवान के सामने छोड़ जाना कि मैंने सामने वाले से यही आपके सामने क्षमा याचना करी, जब डायरेक्ट मिलूंगा तब भी क्षमा याचना कर लूंगा और अभी भी क्षमा याचना करता हूँ। किसी से प्रति मेरा कोई द्वेष भाव नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई भी अंदर विकल्प नहीं, कोई भी उसके प्रति मेरे अंदर जो है परिणामों में कालुषता नहीं है जी। ये भाव कर लेना र से, और जा से बस यही बोला कि अब जो आपके साथ साधन है कि हाँ ये साधन है तो कभी मंदिर बिना गाड़ी के भी आ जाना कि आज बिना गाड़ी के पैदल मंदिर जाना है, और जो भी साधन आपके पास हैं उन साधनों को मान लेना कि इतना इन साधनों से दूर होना है क्योंकि मुझे आत्मा तक जाना है। और आत्मा तक जाने के लिए इतना एक और बात बोली है हमने, वो कौन सी बोली है? कौन सी बोली है? भले 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट हम बैठेंगे और हम मेडिटेशन कराते हैं, अंत में आत्मा का ध्यान कराते हैं, उस आत्मा के ध्यान में अपने आप को मोटिवेशनली बोलते हैं, बस हम तो इतना ही बोल रहे हैं। आप बस उस 2 मिनट 5 मिनट में ओंकार की ध्वनि और श्वासोश्वास पर ध्यान देकर सिर्फ इसी मंत्र को जपना, और कोई मंत्र नहीं। इतना सा तो नियम ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, इस शरीर में नहीं हूँ आत्मा में हूँ, और वो जो भाव हैं उन्हें आने देना, क्योंकि निश्चित बात है कि परिणाम आपके चलते चले जाएंगे, उन परिणाम वो जो परिणाम आपके जब चलेंगे तो अब उस परिणाम में आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। शुद्ध उपयोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
सदुपयोग के लिए सिर्फ इतना ही करना है। आचार्य जी से जब हम गए और आचार्य भगवान के पास गए, आचार्य जी हर बार आप सदुपयोग करते हो कि साधु का लक्ष्य सदुपयोग होना चाहिए, साधु को सदुपयोग की ओर बढ़ना चाहिए, सदुपयोग की प्राप्ति करना चाहिए। तो नहीं नहीं महाराज बने थे हम, तो आचार्य जी ये जब से हम बहुत बार पहले भी सुना, लेकिन सदुपयोग को प्राप्त कैसे करना है उसके उपाय तो बताओ, हम सदुपयोग तक जाएं कैसे, सदुपयोग की भूमिका में आए कैसे, वहां तक जाने का रास्ता तो बताओ। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले दुर्लभ, सदुपयोग ऐसे ही नहीं आता है। सदुपयोग के लिए अध्यात्म को अपने अंदर बसाना पड़ता है, और उन अध्यात्म की जो कारिकाएं उनको गाना पड़ता है, उनको बार बार गुनगुनाना पड़ता है, उन पर चिंतन मंथन करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी भावना सदुपयोग की है तो बहुत अच्छी बात है। बोले और जो सदुपयोगी साधु हैं उनके साथ रहना पड़ता है, उनके बाजू में बैठना पड़ता है, उनको देखना होता है, तब सदुपयोग होता है। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो आपको हम उत्तर दे रहे हैं कि आप सिर्फ इतना ही करना, आंख बंद करके बैठ जाना। आंख बंद करके बैठोगे तो हमारा मन और हमारे कर्म का उदय तो है, उस समय हमारे परिणाम तो चलेंगे। वो जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में तुम अपनी बुद्धि मत लगाना, जो आ रहा है उसे आने देना, जो आ रहा है उसे आने देना, जो चिंतन चल रहा है उसे चलने देना। उसमें अपनी कर्ता बुद्धि लगाकर तुम ये मत मानना कि मुझे ऐसा करना है मुझे वैसा करना है, आने देना जाने देना आना जाना। फिर बोले बस एक ही चिंतन उस समय करना, मेरा सब मेरी आत्मा का सवाल जानने और देखने का है, मुझे जानना है देखना है, कर्ता बुद्धि नहीं लगाना है, इसमें कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। जहाँ बुद्धि लगा लोगे, जहाँ चिंतन करने लगोगे, तो बोले फिर वापस कर्मों की श्रृंखला से बनते चले जाओगे। बस जानने देखने वाली इस आत्मा को समझना है, और जो आ रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते चल रहा है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे तो निश्चित तौर से आत्मा तक पहुंच सकते हो, आत्मा की ओर आप जा सकते हो। तो ऐसा आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आत्मा तक जा पाएंगे, और सच्चा धर्म वही है आपको बताएं। अगर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी आप ये करोगे ना, इस 3-4 मिनट में इतनी पावरफुल शक्ति आपके अंदर आएगी, इतने पुण्य की आप क्या करोगे, तो सतिशय पुण्य का बंद होता है आत्मा के ध्यान सतिशय, बिल्कुल ऐसे पुण्य की गाढ़ पुण्य को आप लेकर प्राप्त करोगे, और संवर और निद्रा का वो कारण है आत्मा का ध्यान। इसलिए 2-3-4-5 मिनट जितना आपको मिले इस शरीर को भूलकर आत्मा तक जाने का आप प्रयास करेंगे, ये भावना आचार्य भगवान का प्रतिदिन संस्मरण लेते हैं तो आज आत्मा ही आत्मा की बात कारंजा वालों के बीच में कर ली। आचार्य भगवान की एक बहुत पुरानी बात आपके बीच में, रोज संस्मरण चलते हैं, दीक्षा के बाद के वो संस्मरण चल रहे हैं। अजमेर चतुर्मास चल रहा था, और अजमेर चतुर्मास में आचार्य भगवान ने अनेक भाषाओं को सीखा, कन्नड़ तो आती ही थी, गुरुदेव को मराठी भी आती थी, हिंदी सीख रहे थे वो, संस्कृत भी वो पारंगत हो गए थे, वो अंग्रेजी भी सीखने के लिए उत्सुक थे, और अंग्रेजी सीखने के लिए वो निहाल चंद जी बड़जात्या प्रोफेसर साहब वो उनको सिखाते थे। और बात ही बात में निहाल चंद जी बड़जात्या जब उन्हें सिखा रहे थे, शुरुआत ही अंग्रेजी की उन्होंने करी थी, सब कुछ बताया था, और उन्होंने किसी बात को लेकर निहाल चंद जी ने बोला आई एम सॉरी, आचार्य श्री जी से बोला आई एम सॉरी। अब आचार्य श्री जी बिल्कुल उधर ऐसे प्रतिपन्न मति के थे कि जैसे उन्होंने बोला आई एम सॉरी, तो आचार्य भगवान बड़े ही उसमें जो आचार्य श्री ने मनोरंजन बहुत एक हंसी में एक उनको जवाब दिया और कहा आई एम नॉट ए लॉरी टू कैरी यूर सॉरी, तुरंत जवाब दिया। और जैसे उन्होंने जवाब दिया इतना सुनते ही वहां पर जितने लोग बैठे थे वो बड़े मुस्कुराने लगे, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब निहाल चंद जी बड़े अच्छा साहब बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको मैंने अंग्रेजी पढ़ाना है और थोड़ा ही प्रारंभ किया और आपने तुरंत इतनी जल्दी इतने अच्छे से वाक्य बना लिया, धन्य है आपकी ये मति कि आप किस प्रकार से इतनी जल्दी विषय को गहा कर लेते हैं। अभी संस्कृत वाले में भी बताया था, पर वो आए थे कैलाश चंद जी पाटनी जो है वहाँ के प्रोफेसर को लाए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ जिस प्रकार से आपकी संस्कृत में आपको क्या सिखाऊंगा। ऐसे बुद्धि के ऐसे क्षोभसम के धनी पूज्य गुरुदेव थे, उनके जैसे हम भी बने, इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज से प्रश्न ये पूछता हूँ, क्या आप अपना कल्याण करना चाहते हो?
क्या आप अपना कल्याण करना चाहते हो? बोलो तो हाँ या ना में तो जवाब दो। चाहते हो तो आज आपको वाड़ोना वालों को कल्याण करने का क्या रास्ता है, कल्याण कैसे आपका होगा, कल्याण का वो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। क्योंकि जिस नगर में जाता हूँ पहला प्रवचन मेरा क्या होता है, शायद अगर आप लोगों ने सुना हो तो, उस नगर की व्याख्या करता हूँ मैं, उस नगर की विशेषता बताता हूँ मैं, और उन शब्दों पर प्रवचन का एक आयाम अपने चिंतन के माध्यम से प्रस्तुत करने के भाव हमेशा रखता हूँ। वाड़ोना कव्वा क्या कह रहा है, वास्तविकता में अगर आपको कल्याण करना है तो इस प्रवचन को बहुत अच्छे से सुनना। वाड़ोना का वह कह रहा है कि वासना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। वाड़ोना का वह कह रहा है वासना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। और डो कह रहा है डोली अर्थात सहारे को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। और ना कह रहा है ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। बताएंगे भी आपको पूरा, वासना को भी बताएंगे। आज कई जो मानव है वो पांच पापों में सबसे ज़्यादा अगर अपने आप को, अपने मन को, अपनी काया को उलझा के रखा है तो किस में रखा है? वासना में। वो झूठ इतना नहीं बोलता, वो चोरी भी इतनी नहीं करता, शायद नहीं करता होगा इतनी चोरी, वो झूठ भी इतना नहीं बोलता होगा, वो हिंसा भी इतनी नहीं करता होगा, शायद परिग्रह के प्रति भी हो सकता है आसक्ति हो, लेकिन वो जो वासना है उस वासना के प्रति उसकी आस्था ऐसी हो जाती है कि वो करें या ना करें लेकिन मन में तो उसकी वासना आ ही जाती है। वो मन से तो वो पाप करता चला ही जाता है, मन से तो वो अपने आप को नीचे गिराते चला जाता ही है। बताओ, परिग्रह के मामले में आपने मन से सोच लिया परिग्रह आपका होगा या नहीं होगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना मन से अगर आपने वासना, मन से अगर आपने अब्रह्म, मन से आपने अपवित्र भाव करे तो निश्चित तौर से वो पाप कर्म बनते चले जाते हैं, वो पाप कर्मों की श्रृंखला आपके जीवन में चलती चली जाती है। वासना की बात और करूँगा, पहले इन तीनों शब्दों को, पहले दूसरा डो। डो क्या कहलाता है? डोली। डोली मतलब आप लोगों को जब शिखर जी आदि जाते हैं तो क्या थोड़ी बहुत वृद्धावस्था होती है या पैर घुटने आपके साथ नहीं देते हैं तो क्या करते हो आप? वो डोली लेते हो। वो सहारा चाहिए आपको भगवान के दर्शन करने के लिए। जब तक वो सहारा नहीं है तब तक आप शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हो। वो सहारा जरूरी है मैं मानता हूँ आपको। वो पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर दर्शन करना है, शरीर की अवस्था है, परंतु कब तक आप अपने जीवन में सहारे से अपने जीवन को चलाओगे? बताओ, कब तक आप अपना खुद का अस्तित्व नहीं स्वीकारोगे? आप चाहो तो आपके अंदर वो आत्मशक्ति है, वो आत्मबल है, उस आत्मबल के माध्यम से आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं, लेकिन आपको सहारे की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव की बात आपको बता रहा हूँ। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था और उस मूलाचार के स्वाध्याय में आचार्य भगवान ने सेल्फ डिपेंड डोली की बात करी कि सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साधु को। किस बात के लिए? तो आचार्य श्री जी ने कहा, बोले ध्यान रखना, एक प्रतिक्रमण और एक केशलोज, एक प्रतिक्रमण और एक केशलोज स्वावलंबी होना चाहिए। प्रतिक्रमण के लिए याद हो जाना चाहिए आप लोगों, नए नए साधु बने थे और नए नए साधु बनने के बाद मूलाचार चल रहा था। बोले देखो नव दीक्षित मुनि राजो, पुस्तक का सहारा कब तक लोगे? अब प्रतिक्रमण को पूरा याद करना है और केशलोज में भी किसी के हाथ नहीं लगवाना, सब एक एक बाल अपने हाथ से करना। मान लो कोई नहीं मिला तो फिर क्या केशलोज नहीं करोगे? सेल्फ डिपेंड बनो। एक केशलोज किसी से नहीं कराना है, बिल्कुल स्थिति परिस्थिति खराब रहो। बहुत अलग ही उन्होंने ऐसा मोटिवेशनल उस वक्त अपनी वो स्पीच थी मूलाचार की कि अब देखो जब गुरु बोलते हैं तो अपने आप में फिर उत्साह तो आ ही जाता है, फिर भी आचार्य भगवान बोल रहे हैं तो हमारे हाथ उस वक्त बहुत नाजुक थे और बड़ी चमड़ी जो थी ऐसी स्थिति वाली थी कि थोड़े करते थे और केश खून आता था और छाले पड़ जाते थे।
अब आचार्य श्री जी और योग संयोग की बात थी कि पूज्य गुरुदेव जैसे दो महीने में केश लूज करते थे, ऐसे हमारे भाव भी बन गए कि बस गुरुदेव जैसी चर्या पालन करना है, जैसा गुरु ने किया है वैसा अपने जीवन में करना है, चाहे वो नमक का त्याग, हरी का त्याग, मीठे का त्याग, शुरू से ही वैसी चर्या पालन कर, दो महीने में केश लूज करना है। अब जैसे ही आचार्य भगवान ने वो बोला सुबह की क्लास में, और दोपहर को ही जो है आहार के पश्चात हमारा क्या था, अगले दिन दो महीने पूरे हो रहे थे। अब वो बात सुबह से घूम रही थी, अब एक तरफ मन बोल रहा था क्या करूं, पिछली बार तो सहारे से केश लूज कराए थे, बहुत सारे महाराजों ने किए थे, मेरे हाथ से तो मुझसे नहीं बन रहे थे, अंदर से वो आत्मबल बोल रहा था नहीं, आचार्य श्री जी ने बोला है अपने हाथ से केश लूज करने। मैं बड़ी उदड़बंद में था, मन में बार बार चिंतन चल रहा था, खूब विचार किया, खूब सोचा, खूब समझा, केश लूज तो करना ही है दो महीने में। और जैसे ही मैंने बोला आचार्य भगवान कल का केश लूज, तो आचार्य श्री जी मुस्कराए और मुस्कराते हुए बोले वो छोटे छोटे हो कर लोगे। तो मैंने कहा आचार्य जी आप, मेरे मुख से निकल गया वहाँ, मतलब मैं चाह नहीं रहा था क्योंकि मेरे अंदर से इतनी शक्ति नहीं थी कि बोल दूँ आचार्य श्री आप दोगे तो मैं खुद कर लूँगा, इतनी बात मैंने बोली। आचार्य श्री आप अगर आशीर्वाद दोगे सब हो जाएगा, आप आशीर्वाद दो, अभी तो छोटे छोटे हैं। नहीं आचार्य श्री भावना है दो महीने में ही करने की, दो महीने में ही करना है, ये शब्द मेरे निकले। आचार्य श्री ने मुस्कराया और एक ही शब्द बोला दुर्लभ है पर दुर्लभ कर लेगा इसको, ये शब्द आज भी कान में वो गूंज रहे, दुर्लभ है पर दुर्लभ कर लेगा इसको। जब गुरु जी ने बोला तो और उत्साहित हो गया मैं, और अगले दिन केश लूज के लिए, क्योंकि केश लूज मुझे मालूम था उस वक्त अभी तो कोई बाल नहीं है, उस वक्त बहुत बड़े बड़े और घने और बहुत ही कड़क बाल थे, हमने केश लूज प्रारंभ किए। सहारे की बात बता रहा हूँ, सहारा किस प्रकार से, अंदर से आत्मबल था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, गुरुदेव की बात थी और गुरुदेव का सहारा था, तो सब हो गया। आप भी अगर चाहते हैं तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, गुरु की बात कभी टालना मत, गुरु अगर साथ है तो निश्चित तौर से मान के चलना आप भी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, जो चाहेंगे वो आपके जीवन में आ जाएगा, पर आपको विश्वास होना चाहिए गुरु की वाणी पर। हमने रात्रि को 2 बजे के श्लोज प्रारंभ किए, रात्रि को 2 बजे के श्लोज प्रारंभ किए, और जैसे ही प्रारंभ के श्लोज किए थोड़े बहुत हुए थे, एक उंगली कटी, दूसरा थोड़ा इतना हुआ दूसरी उंगली कटी, फिर थोड़ा इतना पूरा हुआ तीसरी उंगली कटी, इस हाथ से किया, मतलब ये पीछे के हिस्से में, पीछे से प्रारंभ होता है हम लोगों के श्लोज, पहले पूरी चारों उंगलियां कट गई, खून खून हो गया। अब सब 7, 8, 9 बज गई लगभग, 2 बजे से बैठा हूँ, 9 बजे तक जो है हाथ पूरे धराशायी हो गए। अब एक एक बाल निकाल रहे हैं, अब उसके बाद जितने महाराज जी आ रहे हैं सब के सब आ रहे थे, और सब के सब क्या कह रहे थे, हम निकाल दें, हम निकाल दें, हमने ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, एक एक बाल निकालेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहा है होगा तो निश्चित होगा। अब बड़े बड़े महाराज भी आए, पूज्य समय सागर जी महाराज शिक्षा गुरु रहे हैं, वो भी आए, उनने भी देखा, उनने भी कहा कि भैया ये स्थिति ख़राब है, किसी का देखो हेल्प ले लो, सहारा ले लो, तो शायद केश लूज हो जाएगा। लेकिन मैंने महाराज जी को इतने बड़े महाराज कुछ बोल रहे थे, और मेरे दीक्षा के समय महाराज जी ने केश लूज किए थे, उस वक्त मैंने मुस्करा के महाराज जी को कहा, बड़े महाराज जी को, बोले लगता है कल सुबह का प्रवचन गुरु जी का उतर गया है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा हाँ अभी वही भाव है। बोले स्थिति तो है नहीं आपकी, आप इतने सारे बाल कर पाओगे, सब हो जाएगा। अब फिर जब मैं मान नहीं रहा था, 1:30 बजे आचार्य श्री जी सामायिक से उठे, सब लोगों ने आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री रात को 2 बजे से बैठे वो एक एक बाल निकाल रहे, और मुश्किल है कि कल तक भी उनके केश लूज हो जाएं, क्या कल तक भी उनके केश लूज हो जाएं। तो आचार्य श्री मुस्कराए, और सबको पूरा विश्वास था कि आचार्य श्री आएंगे, और आचार्य श्री आने के बाद एक ही बात बोलेंगे कि भैया ये स्थिति ख़राब है, इतने सारे बाल बचे हैं, चारों उंगलियां कट चुकी है, इधर की भी चारों उंगलियां कट चुकी है, करोगे कैसे, और मना करेंगे और बिठा देंगे किसी महाराज जी को। और पूरे महाराज भी तैयार थे, बस आचार्य श्री आज्ञा दें, क्योंकि ये हाथ रखने नहीं दे रहे हैं, वो जैसे आते मैं दोनों हाथ ऐसे कर लेता था, कोई भी महाराज जी हेल्प करने आते थे। तो अब आचार्य श्री आए, आचार्य श्री ने वो पूरा दृश्य देखा, मुस्कराए, और मुस्कराते हुए उन्होंने इतना ही बोला, क्यों भाई, हाँ बहुत सारे उंगलियां भी कट गई पर चिंता मत, गुरुदेव के शब्द सुनना, गुरुदेव ने क्या कहा, चिंता मत करना, परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल विश्वास रखना, हो जाएगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है।
गुरुदेव ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो दो महाराज वहीं खड़े थे, उनके आंख से आंसू आने लगे। बोले कैसे कर रहे हैं गुरु जी, बन नहीं रहा है, खून निकल रहा है, और फिर भी उनको विश्वास है, एक डेढ़ बज चुका है, क्या होगा, इतने सारे बाल है। आचार्य श्री ने कहा सब हो जाएगा, अंदर से विश्वास रखो, ठीक है ना, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आचार्य श्री आशीर्वाद जो देखे गए वो गए, और जाने के बाद इन दो जो ये इन उंगलियों से बाल नहीं निकलते हैं, बाल इससे निकलते हैं, जो लोग केशलोज देखे होंगे या जो लोग, क्योंकि ये पूरी कट चुकी थी, है ना, खून था इसमें। अब इससे कहाँ से क्या ताकत आई, उन्हें क्या संबल प्रदान किया। पौने दो बजे लगभग गुरुजी आए थे, और पौने दो से लेकर चार बजे, सवा दो घंटे में ये पूरे बाल एक एक करके किसी को हाथ, क्योंकि आचार्य श्री ने भी जब आशीर्वाद दिया तो किसकी हिम्मत होगी, चार बजे तक पूरे केशलोज हो गए। 14 घंटे में ये पूरे केशलोज हुए थे, पर बिना सहारे के हुए थे, बिना सहारे के ये पूरे 14 घंटे में। कारण ये भी था कि 2 महीने के होने के कारण बाल बहुत छोटे छोटे थे, पर वो विश्वास था कि सहारा नहीं लेना है। तो जब सहारा नहीं लेने की भावना थी कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेना है, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी के आगे कुछ नहीं करना है, वो बात थी। तो अब सहारा भी अगर आप नहीं लोगे तो सब कर पाओगे, कर लोगे, पर आपके अंदर बैठा है ना कि हाँ वो पीछे से है, नहीं हमें नहीं लेना, किसी का सहारा नहीं लेना। एक बालक था, अच्छा लगा हमें, अभी यहीं था, कहीं गया होगा, थोड़ी सी परिस्थिति घर की ऐसी थी, और परिस्थिति होने के बाद वो जो बालक है, हमने कहीं से, भाई इतनी बड़ी एजुकेशन आईएएस पीएससी की तैयारी कर रहा है और इतना खर्चा है वो आता है, तब उस बालक ने पहले तो ले लिया और दूसरी बार पैसे लौटा दिए। बोले नहीं महाराज जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी खुद की करूँगा, और खुद की कमाई से, खुद की सेल्फ डिपेंड से जितना होगा उतना करूँगा, लेकिन मुझे ऐसी कोचिंग नहीं करना कि किसी के सहारे से मैं पढ़ूँ और किसी के सहारे से मैं आगे बढ़ूँ। आप तो आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब होगा, पर मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ये आना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हेल्प किसी की, क्यों हेल्प लूँ मैं। जब हम थे घर में तो उस वक्त अपने खुद के कपड़े, स्वयं के कपड़े, वहाँ माता पिता बोलते थे धो, ताकि आदत आपको डलेगी। अभी आपको बताएं हम कि हमसे बहुत जुड़े हैं प्रशांत जी, जो पूरा बिहार में भी उनका योगदान रहता है, जहाँ चाहे वहाँ योगदान उनका हमेशा रहता। प्रथम कलश भी था प्रशांत जी मुंबई, FDFC के जो चेयरमैन थे, बहुत बड़ी इस पूरे विश्व की बहुत बड़ी हस्ती है, और दोनों महाराज से बहुत अच्छे से वो जुड़े हुए हैं। तो वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, करोड़ों अरबों का सेटअप है उनका, लेकिन वो उनके घर में नौकर नहीं, नौकरानी नहीं, झाड़ू खुद, पोछा खुद, भोजन खुद का, बच्चों के कपड़े, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों से ये कहते हैं अपने खुद के कपड़े अपने खुद के स्वयं धो। ये कहलाता है स्वावलंबीपना। तो क्या अगर हम ऐसा स्वावलंबीपना अपने बच्चों के अंदर देंगे, बेटा नहीं, आप अपना काम खुद करो, ये आपको मोटिवेशन देना चाहिए। और मोटिवेशन से मतलब नहीं है, आचार्य भगवान क्या करते हैं, आचार्य भगवान बोलते नहीं हैं, आचार्य भगवान करके दिखाते हैं, आचार्य भगवान हमेशा करके दिखाते हैं, वो ये बोलते नहीं ऐसा करो। जब आप स्वयं खुद करोगे तब तो आपके बच्चे सीखेंगे कि नहीं, अपने हाथ से अपने को अपना काम करना चाहिए। अपने हाथ से एक गिलास यहाँ रखा है, पहले आप उस गिलास को अंदर ले जाकर रखो, तब तो बच्चा उठाएगा और गिलास रखेगा। आप स्वयं ऐसे हो कि वो गिलास उठाकर रखना नहीं चाहते हो, जहाँ पानी पिया हाथ में आपको सब कुछ चाहिए, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा। आप खुद सेल्फ नहीं हो, आप खुद दूसरे के सहारे हो, हर चीज़ आपको हाथ में चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं, पुरुष वर्ग, महिलाएं तो बेचारी करती है, उनको तो करना पड़ता है, उनकी तो मजबूरी है, वो करेंगी भी। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोलो होता है कि नहीं, ये होता है ना, आप सबको चाहिए और आपको सबको करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, आप नहीं करेंगे तो घर में रहना आएगा। तो ये ध्यान रखना, डोली मतलब सहारा, आपके जीवन में सहारा नहीं होना चाहिए। आप बैसाखी के सहारे मत चलो, ये कब तक आपके जीवन में एकाकी जीवन रखो अपना, मैं खुद अपने सब काम खुद करूं, किसी की कोई आवश्यकता मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, वो नहीं रहा तो कैसे मेरा काम होगा कि नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा आपका अगर जीवन बन रहा है, ऐसे आप अपने जीवन में अपने आप को बना रहे हो, तो ये मान के चलना या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे एक चीज़ आती है कि आगम में बहुत अच्छे से
उद्घोषणा करते हैं आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि शक्ति को कभी नहीं छुपाना, शक्ति त्याग। क्या अगर आपके अंदर शक्ति है तो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं, उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। आपके अंदर वो सब कुछ है, आप चाहेंगे अपने खुद के सेल्फ अंदर के विश्वास से आप सब कर लेंगे, सब हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहें कि हमें ये करना है, बस हम करते, लेकिन आप साथ देखते हैं, सहारा देखते हैं, हेल्प लेने की बात करते हैं। कोई मेरे पास है नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कोई कराने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं। ये जो आपके अंदर बैठी हुई बात, ये जो अंदर आपके अंदर घटना घटित होती चली जाती है, इससे आप वास्तविकता में अपने, मैंने कहा ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? धोखा। तो आज ये जो सहारा है कि आप लोग सुन रहे हो इस सहारे को, इस सहारे की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, आप कितना सेल्फ डिपेंड होना होगे अपने जीवन में, आप सेल्फ डिपेंड होने का काम करना। मैंने देखा, जब गृहस्थ अवस्था में देखा कि कोई बाहर जाता है तो बाहर जाने के लिए पूरी तैयारी करना पड़ती है, बच्चों की या पत्नी पूरी तैयारी कर, क्यों करे? बाहर आप जा रहे हो और तैयारी पत्नी करे, क्यों सहारे की आवश्यकता? नहीं, आपको स्वयं को वो सब कुछ तैयार करना चाहिए, वो सब कुछ अपने आप आपको सेल्फ डिफेंड होना चाहिए। सहारा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आप बेसहारे नहीं हैं। आप अगर सहारा लेते हैं तो ये मान के चलना आप आज सहारा ले रहे हैं, आगे भी आपको जीवन में सहारे की आवश्यकता होगी। जब आप ले लेते, मान लीजिए आपकी बहू ने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने आपकी वो हेल्प करी, है ना, आप ले, आपने ले भी ली, लेकिन ध्यान रखना आप जितना उनसे काम कराओगे आप उनके कर्जदार बनते चले जाओगे। क्या बनोगे? कर्जदार। आप आज उनसे करा रहे हो, ये लिख लेना मेरी बात, कल वो आपसे कराएंगे। आज आप उनसे करा रहे हो, कल वो आपसे कराएंगे। क्यों कराना? ये लेने और देने का व्यवहार क्यों करना? क्योंकि टिट फॉर ट्रेट, जो बोया है वही मिलता है, ये निश्चित है। जब जो बोया है वही मिलता है तो फिर हम क्यों किसी की हेल्प लें? बिल्कुल नहीं लें। जो जिसका जितना कर्तव्य, मैं ये नहीं बोलूं आप रोटी बनाने लग जाओ, वो उनका काम है, वो उतना तो करें, लेकिन बाकी चीज़ों में तो आप सोच सकते हो ना, बाकी चीज़ों में तो आप समझ सकते हो ना कि ये काम मुझे करना है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरे लिए करने योग्य है। जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हो करो, नहीं तो एक बात बस, ये जो मैंने आपको आज अभी बोली है इसको ध्यान रखना, आप जितना दूसरों से अपना काम कराओगे, जितना आप दूसरों का यूज करोगे, जितना आप दूसरों को परेशान करोगे, जितना आप दूसरों को कष्ट में डालोगे, उतना आगे आप भी परेशान होगे। ये लिख लेना मेरी बात, निश्चित मान के चलना ये बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारा एक नेचर हो जाता है, वो नेचर कैसा? अपेक्षा। हम अपेक्षा वाले नेचर के हो जाते हैं, हमें बस फिर क्या है, अपेक्षा रहती है कि छोटी बहू ऐसा करती है और बड़ी बहू को भी ऐसा करना चाहिए। वो अपेक्षा बन जाती है, बेटा ऐसा करता है तो इस बेटे को क्यों अपेक्षा? ये जो अपेक्षा का भूत जब हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमारे जीवन का सुख और शांति समाप्त हो जाती है। मैं जब शाम को मोटिवेशनल ध्यान प्रतिदिन कराता हूँ, आत्मा के ध्यान में मैं ये बात, बहुत सारे पॉइंट्स में एक ये बोलता हूँ कि मैं अपेक्षा से रहित आत्मा हूँ, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सच में शांति का उपाय है, अपने जीवन को शांतमय बनाना चाहते हो, वाद विवाद का कारण ये कि आप उससे चाहते हो, वो जब वो नहीं करता है, वो अपेक्षा की आपकी पूर्ति नहीं होती है, वो अपेक्षा नहीं होती है, तो फिर वाद विवाद होता है। बताओ, जब आप चाहते हो और जब आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका तेवर कितना चढ़ जाता है, आपको कितना गुस्सा आता है। तो अपेक्षा रखना ही क्यों, अपेक्षा रखना ही नहीं। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, मैं तो संतुष्ट आत्मा हूँ। किसी आत्मा हूँ, मंत्र है उसमें एक मंत्र, ये वाला भी बोलता हूं मैं किसी आत्मा हूं, मैं तो संतुष्ट आत्मा हूं। किसी आत्मा हूं, संतुष्ट, और सब संतुष्ट आत्मा हो तो अपेक्षा होना ही नहीं चाहिए जीवन में। बताओ कौन ऐसा यहां बैठा है जो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता? नहीं, जो है ठीक है, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं, मिल गया तो ठीक,
अपने हाथ जगन्नाथ ऐसा बोलते थे हम जब पहले थे, मेरे हाथ जगन्नाथ मतलब क्या, जगन सब करने की ताकत इन बाजुओं में है, इन दोनों हाथों में है, तो मैं क्यों किसी के आगे कहूँ। अपने हाथ को बलवान बनाते हुए आप सेल्फ डिपेंड बने, अपना काम अपने हाथ से करें, तब कहीं जाकर आपका कल्याण होने वाला है, नहीं तो कल्याण तीन काल में नहीं होने वाला है। ध्यान रखना है, कल्याण की परिभाषा आपको बता रहा हूँ, आपको कल्याण का रास्ता बता रहा हूँ। अगर मेरी बात, मैंने तो छोटी सी बात पर मतलब मैं अपनी खुद की तारीफ या प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो क्योंकि वो मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मैं तो यहाँ ये बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की वो वाणी, कि उन वाणी ने मेरी ताकत नहीं थी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मैं खुद समझ रहा था कि मैंने कैसा पहला कैशलोच किया है, किस प्रकार से मेरा वो कैशलोच हुआ है, पर वो उनके सामने वो सामर्थ्य बन गई। अगर थोड़ी बहुत चर्या अगर मेरी अच्छी होगी, थोड़ी बहुत वाणी में अगर मेरे दम होगा, तो आप भी शायद मेरी इस बात पर इसको सुनने के बाद इतना तो अपने जीवन में उतार ही लेंगे कि नहीं, स्वयं का कार्य मुझे स्वयं करना है, दूसरों के ऊपर आधारित नहीं। इतने कष्ट में किया आप, इतने कष्ट वाले काम तो करने का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ऐसे ऐसे कष्ट वाले कार्य करने के लिए तो आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि इतने कष्ट वाले आप कार्य करो। तो मैं अपेक्षा रखूँगा जो लोग बात सुन रहे हैं, अपने खुद को सेल्फ डिपेंड, और जितना हम अपने आप से अपना कार्य कर सकते हैं उतना कार्य हम करते चलें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, उससे हमारे जीवन में कल्याण होगा, अपेक्षा से रहित जीवन बनता चला जाएगा और संतुष्ट आत्मा निश्चित तौर से आप बनते चले जाएंगे। और तीसरा क्या है, ना, अभी वहाँ पे तो बहुत बोलना है लेकिन अब समय हो रहा है, ना क्या वो ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ना, ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। आपके जीवन में नहीं बहुत है, जब तक आप ये अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आज छोटा सा बच्चा भी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये भूत लगा हुआ है उसको, क्या लगा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप निकाल दो, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जो आपके जीवन में ये बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आज मैं किसी से भी कुछ बोलता हूँ, भैया हालांकि हम नियम नहीं देते हैं, भैया ना महाराज देते हैं, हम सादे महाराज हैं, ऐसा नहीं तो फिर आप आओगे नहीं, है ना, कोई नियम वाला कोई मामला हमारा ऐसा कोई नहीं रहता है। तो अब मान लो कुछ बोल भी दिया, नहीं महाराज हमसे नहीं होगा, क्यों भैया, अरे घर के बाजू में मंदिर है और हमने कहा दर्शन कर लेना, हमने कहा यहाँ पर आपको चरण छूना है, आज की स्थिति बड़ी ख़राब थी वाड़ोना की, कौन लोग, वो दो तीन चार लोग थे, वो अभिषेक शांत, आपने करी अभिषेक शांत धारा, क्यों नहीं करी, आपने करी बताओ, क्यों नहीं करी। अब भगवान के चरण हम नहीं छू रहे हैं, मत आपको होता है पांटनी जी भी इतनी बड़ी सब फर्में चला रहे हैं, अरबपति है खरबपति है, ठीक है ना, प्लेन है उनका खुद का, अब वो भी अभिषेक शांति धारा पूजन करते हैं, जब इतना बड़ा व्यक्ति भगवान के लिए समय निकाल सकता है, पर आप नहीं निकाल रहे हैं, आपके जीवन में ना है। हम कहेंगे तो ना है कि हाँ है, बोलो अब अभिषेक के लिए ना है कि हाँ है, हैं, हाँ है कि ना, जोर से तो बोलो, हाँ कल से अभिषेक होना चाहिए, भाई साहब बोलो हाँ ना, हाँ है ना, हाँ तो कल से अभिषेक होना चाहिए, प्रतिदिन भगवान के चरण छूना है आपको, ठीक है ना भाई साहब, हाँ है ना है, बोलो ना, हाँ कल से अभिषेक होना चाहिए। अगली बार जब मैं आऊँगा ना यहाँ, अब कब तक रुकूँगा, कल रुकूँगा तो बहुत अच्छी बात है, कल नहीं रुकूँगा या जब भी अगली बार आऊँ तो ध्यान रखना मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, और गुरु से कहा है आपने हाँ, ठीक है ना, देवशास्त्र गुरु से हाँ करा है, तो वो हाँ होनी चाहिए। और पीछे लोग बैठे इतने सारे लोग, अगर मेरी बात मानते हैं तो हाँ तो कर दो, बोलो कि ना करना है, हाँ पूरे लोग, सब लोग धोती दुपट्टे में चाहिए मुझे, कुछ मत करना, सिर्फ भगवान के चरण छू लेना, बस इतना कर लेना, अभिषेक कर लेना, ज़्यादा मैं आपको बांधना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा आपको मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मंदिर में 24 घंटे बैठे रहो, 10 मिनट देवशास्त्र गुरु के, ऐसे प्राचीन मंदिर है, आनंद आ गया देखने के बाद ही महाराज से, मैंने कहा गदगद हो गया महाराज में तो आके, बहुत अच्छा मंदिर है, नीचे मेरे लायक गुफा मिल गई मेरे को, बढ़िया आनंददायक सामायिक हो रही थी। तो ऐसे अच्छे प्राचीन जलाना है, 500 वर्ष प्राचीन इस अतिशयकारी प्रतिमा आपके पास है और उसके बाद भी आप उससे वंचित हैं, बताओ, आप नहीं तो कर रहे हो, आप हाँ कर का रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं तो है आपके जीवन में, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ जितना पुरुष वर्ग बैठा है, पूरे पुरुष वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा, सब छोड़ दो लेकिन भगवान के चरण मत छोड़ो, तुम्हारा जीवन
उत्कृष्ट बन जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। साधु परमेश्वर की इतनी सी बात मान लो, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान के बस शरण छुएंगे। 9 बजे आ जाना, 10 बजे आ जाना, 11 बजे आ जाना, बस भगवान के चरण छू लेना, इतनी भावना रख रहा हूँ, हो जाएगा? बोलो तो सब लोग, सब लोग हाथ उठाओ, पूरे लोग उठा रहे हैं, झूठी मूठी की सच्ची सच्ची में उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा वाड़ोना में आके आप लोगों ने मुझे ना नहीं बोला, सब लोगों ने हाँ बोला, ये मुझे अच्छा लगा। ये आपकी हाँ, ये जो आपकी हाँ है आपका कल्याण कराएगी। आपकी ये जो हाँ है, भैया आप क्यों जा रहे हो, ना है कि आपका हाँ है ना? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की हाँ निश्चित तौर से आपको सतीशय पुण्य को बनाती चले जाएगी। एक नाक के ऊपर बहुत अच्छी बात, समय भैया ध्यान नहीं दिया कितनी बजे स्टार्ट होता, एक नाक के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है समझना। हाँ, तो नाक के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी सुना देता हूँ, वास्तविकता में वो आपको शायद जीवन को आपके उठा देगी, वो ऊंची कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है, छोटी सी बात है, रियल घटना, सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। एक विद्यालय, उस विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ रहे थे और उनकी शिक्षिका महोदय उन बच्चों से क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। क्या बोलती है? तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो, जो नहीं कर सकती हो एक एक करके लिखते चले जाओ। तो किसी ने कहा कि ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ, सबके लिए सुना रहा हूँ। किसी ने कहा मैं याद नहीं कर सकता, किसी ने कहा मैं क्रिकेट अच्छे से नहीं कर खेल सकता, किसी ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी ने कुछ, किसी ने अपनी अपनी बातें रखी, किसी ने कहा मेरे से बोलते बलता नहीं है, किसी ने कहा मैं जो है वो जो बहुत अच्छे से अपनी सिलेबस को तैयार नहीं कर पाता हूँ। बच्चे थे, बच्चों की वो ना अपने अपने हिसाब से बोले, नहीं सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना तो है ना, बोले हाँ है, सब ने अपने अपने ना लिख लिए, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये ना। बाहर प्रिंसिपल साहब खड़े थे, उनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब होने लगा, कौन सी ये शिक्षिका की भर्ती कर दी है मैंने। वो बाहर खड़े खड़े सब उस वार्ता को देख रहे थे, बच्चों से नहीं 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 लिखवाया जा रही है। बोले बच्चों लिख लिया? हाँ लिख लिया। बोले लाओ वो सब अपना अपना पेज दो। अब प्रिंसिपल साहब को मांजरा समझ नहीं आ रहा था, क्या करा है, क्या कर रहे हैं ये। अब वो सब पेज आए, बोले उसको पैक करो, क्या करो, पैक, बांध दिया। हाँ ठीक है ना। अब बोले देखो अपन ने ये बहुत अच्छी सैया तैयार करी है। काय की सैया? बोले शव यात्रा में सैया निकलती ना, क्या बोलते हो उसको आप, पालकी, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो है ना, जो वो शव यात्रा में निकलती है, राम राम सत्य है अरिहंत नाम, यही बोलते ना। बोले बस ये आपने तैयार कर ली? बोले बस ये पालकी अपन ने तैयार करी है और इस पालकी में सब कागज को डाल दो। सबने कागज डाल दिए। अब कागज डाल दिए, बोले अब क्या हुआ, आपकी जितनी ना थी ना उन सब ना का क्या हो गया? बोले सब ना का क्या हो गया है? बोले अब ये ना आपके जीवन में से मर गया है। क्यों? बोले ये जो है शव यात्रा है। अब बोले अच्छी शव यात्रा तैयार करी थी, वो शव यात्रा